How to fix Google offline downloading error. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Google Translate ऑफलाइन डाउनलोडिंग आपको जो प्रॉब्लम आता है उसे कैसे आप फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कभी कभी दे दीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको खोल लेना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन खोलने के बाद में जो है आपका जो है ऑफलाइन काम नहीं कर रहा है, ऑफलाइन डाउनलोडिंग आपका काम नहीं कर रहा आप बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफलाइन ट्रांसलेशन में आप चले जाते हो, तो यहाँ पे जब हम एल्बेनियन यहाँ पे मैंने इसे मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोडिंग आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये कभी कभी आपको डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम इसलिए दिखाता है कि आपका नेटवर्क जो है वो सही नहीं होने के कारण से आपको ये शो कर सकता है, ठीक है। आपका नेटवर्क सही नहीं है इसलिए हो सकता है वो, कि इसमें आपको क्या करना है, एक बार आपका इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ़ कर दीजिए, दोबारा से ऑन कर लीजिए और आप ट्राई करके देखिए, डाउनलोड करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपका मोबाइल में नहीं हो रहा है डाउनलोडिंग, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपका मोबाइल एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद में आपका फिर से आप ट्राई कीजिए, होना चाहिए, ठीक है। फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको एप्लीकेशन क्लोज कर देना है और आपको चले जाना है सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आपको जाना है एप्लीकेशन मैनेजर पे, या फिर आपके मोबाइल में शो करेगा ऐप्स के नाम से, ऐप्स इंस्टॉल्ड या फिर एप्लीकेशन मैनेजर का नाम से रहेगा। मेरा यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे ढूंढना है आपको गूगल ट्रांसलेट कहाँ पे है। गूगल ट्रांसलेट आपको यहाँ पे ढूंढना है और गूगल ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टोरेज पे जाने के बाद में क्लियर कैश पे दबाना है, क्लियर कर देना है आपका जितना भी कैश है। उसके बाद में क्लियर डाटा पे क्लिक करके डाटा आपको क्लिक कर देना है, क्लियर कर देना है, ठीक है। उसके बाद में बैक चले जाना है और आपको यहाँ पर क्या करना है, परमिशन पे जाके आप सारा परमिशन को ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप पे क्लिक कर सकते हैं, फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद में एप्लीकेशन खोलिएगा और डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना एरर को हटा सकते हो। मैंने जो स्टेप बताया उसको फॉलो कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।